अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से लेटेस्ट अप टू डेट असाइनमेंट क्विज एंड GTBs की वीडियोस मिलती रहती हैं। जिन स्टूडेंट ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उसने MCM 301 की असाइनमेंट, जो कि मैंने स्टूडेंट से वादा किया था कि आपकी लास्ट डेट से पहले पहले, दो दिन पहले पहले मैं ये वीडियो बना दूंगा, और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बन चुकी है और 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन बन चुका है। MCM 301 असाइनमेंट नंबर 1, जिसका टॉपिक था इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके साथ जो मुकालमात, डायलॉग्स और कन्वर्जेशन के साथ आप बात करते हैं, उन वही क्वेश्चन आपसे उसने पूछा था, जिस पर मैं पहले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का दे दूंगा। देखिए स्टूडेंट, असाइनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। यही असाइनमेंट में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके MCQs, आपके मिड टर्म एंड फाइनल एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है, आप जो लोग स्टूडेंट्स हैं वो समझ ही चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो देखी है, जिन्होंने नहीं देखी, वो पार्ट वन देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं वीडियो का दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि आपने 5 एग्जांपल लिखनी थी, और 5 एग्जांपल आपने कुछ इस तरह लिखनी थी, जिस तरह कोई बात नहीं करते इसी तरह 5 एग्जांपल आपने लिखनी थी। तो स्क्रीन पर मैंने आप लोगों के लिए 5 एग्जांपल लिखे हैं, जिसके लिए मैंने 2 दिन सर्च की, और 2 दिन सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनाया मैंने, और 100% एक्यूरेट सोल्यूशन है। इसी तरह अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्पल इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप ख़ुद से ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और कंप्लीट स्टडी करने के बाद अपनी असाइनमेंट को टाइप करें। मैं तो आपको यही रेकमेंड करूंगा, आप अपना लैपटॉप, पीसी या मोबाइल, जिस पर भी आप टाइप करना चाहते हैं, इजीली टाइप करें, देखते जाएं और इजीली टाइप कीजिए। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, एंड देन उसके बाद अपनी असाइनमेंट को सोल्यूशन जो है वो बनाइएगा।